वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव ने वेटलैंड के नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना का प्रारूप तथा विभिन्न विभागों द्वारा दी गई सूचनाओं को संकलित कर प्रभागी वनाधिकारी व संयोजक जिला पर्यावरण समिति द्वारा दिए जाने वाली सूचना का प्रारूप पर चर्चा की और उचित दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर के अलावा वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गोरखपुर का रामगढ़ झील प्रदेश का पहला वेटलैंड घोषित हुआ है, जिसके मद्देनजर सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ने जिले के अधिकारियों को जल संचय, जल संरक्षण सहित अन्य कार्य योजना को 25 अगस्त तक दिए जाने के निर्देश दिए हैं। वाटर बॉडीज की भी बनानी है तो ऑल इंक्लूसिव, इसमें बायोडायवर्सिटी के साथ साथ पॉल्यूशन के एंगल को भी एड्रेस करते हुए कार्य योजनाएं बनानी है। नेक्स्ट, एक बार इसमें एक चीज और ऐड कर दे, सभी वेटलैंड्स को पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित किया जा चुका है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी वो चिन्हित है, इसलिए आप अलग से उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करने की चिन्हीकरण करना होगा। किस किस तरह से आप चिन्हीकरण करेंगे और ऑलरेडी इसरो ने नेशनल वेटलैंड एटलस भी तैयार किया है, उसकी भी आपको सहायता लेनी होगी और वो आगे बताया जाएगा। ये दूसरी स्लाइड है वेटलैंड के महत्व की है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वेटलैंड का महत्व मैं जानता हूँ। आगे से ये NTT के ऑर्डर के बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूँ, दो डेट्स हैं इसकी, 25/2/2020 जिसमें आदेश हुए थे कार्य योजना प्रस्तुत करने के 31 मार्च तक, बाद में वो टाइमलाइन एक्सटेंड करके 31 अगस्त तक कर दी गई है। नेक्स्ट, अब इसमें बात आती है कि NGT ने आपसे क्या अपेक्षा की है। NGT ने ये कहा है कि वेटलैंड्स का जो कंजर्वेशन होना है उसकी जो कार्य योजना बननी है उसमें मुख्य रूप से ये 6 अवयवों को रखा जाना है। पहले वर्षा जल संचय, क्योंकि वेटलैंड में पानी का आना बहुत जरूरी है, तो वेटलैंड के कैचमेंट एरिया में या वेटलैंड में रेन वाटर की हार्वेस्टिंग या रेन वाटर को रोकना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है वेटलैंड के कंजर्वेशन का। दूसरा, जल संचय क्षमता में वृद्धि, वेटलैंड में मान लीजिए गाद आ गई है, फट गए हैं या कब्जे हो गए हैं, तो उसका यदि हम लोग गाद सफाई करते हैं कैसे उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं ताकि उसमें ज्यादा पानी मिले आता है, तो उस जलग्रहण क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए ताकि वहां पे रन ऑफ कम हो और वाटर परकुलेशन ज्यादा हो और पानी ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड में आए वर्षा का, वो आपका वाटर शेड डेवलपमेंट करना है तीसरे नंबर पे। चौथा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समुदाय एवं ग्राम पंचायतों की भागीदारी, चाहे वेटलैंड के संरक्षण के लिए हो या वेटलैंड को शुद्ध रखने के लिए हो, दोनों में समुदाय और ग्राम पंचायतों की भागीदारी होनी चाहिए। और NGT ने अपने आदेश में कहा है जिला पर्यावरण समिति, आज FO साहबान को इसलिए बुलाया भी गया है यहाँ पर कि जिला पर्यावरण समिति के माध्यम से, चूंकि वेटलैंड का स्वामित्व 1 से ज्यादा विभागों के पास है, तो कैसे उसका समन्वय किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पर्यावरण समिति के माध्यम से संबंधित विभागों का समन्वय किया जाएगा और मनरेगा से वेटलैंड के कार्यों का एक कन्वर्जेंस होना है। इसको बस थोड़ा सा समझने के शॉर्ट में, प्रारूप 1 में जिले स्तर पर प्रभागी वनाधिकारी या सदस्य संयोजक जिला पर्यावरण समिति द्वारा, यानी एक अमुक वेटलैंड की कार्य योजना किस तरह से तैयार की जाएगी। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रारूप 1 जिले में किसी का नाम, संपर्क विवरण, ये सब ऑब्वियस चीजें हैं, झीलों तालाबों जैसे जल निकायों के बारे में जानकारी, ये आपको कितने हैं और इस तरह के बहाली के लिए कुल चयनित निकायों की संख्या कितनी है, अब तक बहाल कुल अंग कितने अब तक वेटलैंड आपके, और अब कितने बचे हुए हैं जिन पे काम करना है, और कोई यूनिक ID उनको आवंटित किया गया है, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। यूनिक ID सभी वेटलैंड को DFO के मार्ग निर्देश में भरा जाएगा जब सारे वेटलैंड की सूचना आ जाएगी। प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, इसमें केवल टिक करना है, आपको जानकारी देनी है, और समय सीमा कार्यान्वयन के संबंध में जो डिटेल्ड योजना है वो आप इस प्रारूप के साथ संलग्न करके दीजिए। तो पहले इंफॉर्मेशन फ्लो का जो मैकेनिज्म होगा वो समझा दें।